मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका द्वारा 2016 में रास्ता विस्तारीकरण के लिए सड़क किनारे बनाई गई दुकानों को तोड़ दिया गया था। ऐसे में दारुल फलाह मस्जिद के सामने हबीब मंजिल में दुकान चलाने वाले जमाल शेख की दुकान भी ठाणे महानगर पालिका द्वारा तोड़ दी गई थी। इस तोड़क कार्रवाई के खिलाफ जमाल शेख और उनके साथ करीब 16 से 17 लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सितंबर 2018 में हाई कोर्ट ने इन लोगों को अपनी जगह पहचान कर और उतनी ही जगह में दुकान बनाने का ऑर्डर दिया था, मगर बनाने से पहले इन्हें टीएमसी में लिखित में लेटर देना होगा। लेटर देने के 7 दिन के बाद अपनी दुकान को उतनी ही एरिया में बना सकते हैं जितने में इनकी दुकानें थी, मगर जमाल शेख के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। टीएमसी द्वारा जमाल शेख की दुकान तोड़ दी गई थी, मगर जो हिस्सा बचा था उसे तवक्कल किड्स नामक दुकान चलाने वाले अब्दुल्ला मोमिन ने धीरे धीरे तोड़ दी और करीब 1.5 फुट पर कब्जा कर लिया। ऐसा जमाल शेख का आरोप है, जिसकी अर्जी भी उन्होंने पुलिस को दी है। इस पूरे मामले पर जमाल शेख ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। मई 2016 में जो है प्रशासन ने तोड़ू कार्रवाई की थी मुमरा कौसा में, और उस तोड़ू कार्रवाई में कई दुकानें गई, लेकिन चूंकि मेरी ये दुकान पीछे थी, काफ़ी पीछे है रोड से, अभी आप देख रहे हैं कम से कम 10 से 12 फुट अंदर है, उसके बावजूद भी ये तोड़ी गई थी। खैर, वो तोड़ी जाने के बाद में मैंने प्रशासन को कई लेटर दिए पुलिस में कि जहाँ जहाँ से मुझसे हो सकता था कोशिशें मैंने की वो, और कोशिशें करने के बाद भी जो है वो कुछ हल नहीं निकला। तब मैंने जो है ना कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट में मैंने केस दाखिल किया सन 2016 में, और अब जो है ना हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, ऑर्डर आया है कि जो जगह जिसकी है वहाँ पर ही वो उसी जगह पर उतनी ही साइज़ में बनाए। तो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि आपकी जगह जहाँ थी वहीं पर बनाए जी। तो फिर क्या आप अपनी जगह पर अब दुकान बनाने जा रहे हैं? नहीं, पहले असल में मेरी दुकान का मामला ऐसा है कि ये जो शटर आप देख रहे हैं, इस शटर के अंदर मेरी 1.5 फुट दुकान थी, ले लिया जो बाद में जो है ना इन्होंने पूरा आगे का दीवारें तोड़ी, चैनल तोड़ा और बीम तोड़े इस बिल्डिंग के ढांचे के, और इसको बिल्कुल निर्धारित किया इस ढांचे को। जहाँ तक मेरा मामला है, मैं अपना पर्सनल लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये जो आप बता रहे हैं आपकी दुकान यहाँ पर थी, तो आपकी दुकान तोड़ने के बाद फिर उस पर धीरे धीरे कब्जा जो किया, उसका क्या नाम है उस आदमी? उनका अब्दुल्ला मोमिन और अशफाक मोमिन, ये दो भाई है जो यहाँ पर दादागिरी बोल के गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमने मॉर्निंग में जो है अपनी जगह को जो है ना फेंसिंग किया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं खड्डे, यहाँ पर हमने जो है ना रिमिन लगाकर अपनी जगह पर जो है फेंसिंग किया था, और ये आदमी जो है ना ये बाहर अंदर की जगह तो ले लिया, बाहर की जगह भी जो है ना ये अपने कब्जा करना चाह रहा है। तो मैं आपको फुटेज बताऊंगा कि बाहर की जो मेरी जगह थी उस पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मैंने जो है ना अपनी जगह पर अपना ताबा बरकरार रखने के लिए मैंने फेंसिंग किया था मॉर्निंग में आके। हम जितने कोर्ट वाले हैं तकरीबन 18-19 लोग, हम अपनी जगह पर जो है ना पूरे मुमरा कौसा में जो है ना फेंसिंग कर रहे हैं। हमने अपनी जगह पर किया, सिर्फ ये वाहिद केस है जहाँ पर जो है ना फेंसिंग जो है ना निकाल के ना उन्होंने फेंक दिया, और हमारे चैनल वगैरह चारों तरफ से ना निकाल के फेंक दिया, इसका बोर्ड भी फेंक दिया नीचे। और कोर्ट का फैसला आने के बावजूद जो है आपको यहाँ पर दुकान नहीं बनाने नहीं दे रहे? नहीं। कौन रोक रहा है ये बनाने? ये अब्दुल्ला मोमिन जो है। कौन रोक रहा है बनाने से आपको? अब्दुल्ला मोमिन जो है, जो दुकान का पीछे गोडाउन था इनका, ये गोडाउन का मालिक जो है वो हमें बनाने में बहुत दिक्कतें दे रहा है। आप ये देख रहे हैं कोर्ट का बोर्ड इन्होंने ना फेंक दिया, ये हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड, आप फुटेज जरा यहाँ करिए, ये बोर्ड भी जो इन्होंने फेंक दिया था यहाँ पर जमीन पर, कि ये यहाँ पर हम आपको बनाने नहीं देंगे। यानी ये कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानेंगे, पुलिस का ऑर्डर भी नहीं मानेंगे ये लोग, तो ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या? ये आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी किससे इंसाफ मांगेगा? ये वो आगे देख, अभी आपने जो ये बोर्ड फेंका गया और कोई आपके साथ हुआ, तो आपने आपने जो है पुलिस में शिकायत? हाँ, पुलिस में शिकायत की, पुलिस आई थी अभी यहाँ पर, और वड़तकर साहब जो थे, वड़तकर पीआई है जो मुमरा पुलिस स्टेशन में, उनसे हमने शिकायत की थी, परसों भी की थी, रोज हम शिकायत कर रहे हैं। फिर उन्होंने लेटर मांगा था, हमने परसों जो है ये सब करने के पहले हमने इनको एक एडवांस में जो कि हम जो फेंसिंग कर रहे हैं इसके लिए लेटर दिए थे। हमने लेटर देने के बावजूद भी वो आए, और आकर जो है ना वो उन्होंने जो है ना बैलेंस बात की केवल।
क्या बोला उन्होंने, क्या बोला उन्होंने? ये बोला कि चलो हम देखते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई ये इनकी जगह है, तू क्यों यहाँ पर सामान रख रहा है, तेरे पर FIR होना चाहिए, तू कंटेम्प ऑफ कोर्ट कर रहा है, तू ना कोर्ट का बोर्ड निकाल के तूने फेंका। पुलिस का तो ये होना चाहिए था कि इस आदमी पे ना FIR होना चाहिए था, इस आदमी को फौरन जगह पे अरेस्ट होना चाहिए था। 2016 में मई में जो तोड़ू कार्रवाई हुई है मुमरा कौसा से लेके, मुमरा से लेके कौसा तक और पता नहीं किधर, वो उसमें जितनी भी कार्रवाई हुई है तोड़ने की, उसको हाई कोर्ट ने बोला है कि ये गैर कानूनी कार्रवाई हुई है। और इसमें उसने ये भी बताया है कि शंका बताया है कि हम लोग जितने भी गए थे कोर्ट में, हमको बोला है कि जो तुम्हारी जगह है, जैसी तुम्हारी जगह थी वैसे तुम वापस से उधर स्ट्रक्चर वापस बनाएंगे, क्योंकि TMC की तरफ से कोई उनको सही जवाब नहीं आ रहा था। तो उन्होंने हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जिसकी जगह जिधर थी उधर वापस वो बनाएगा। और उस कोर्ट ने ये भी बोला है कि हमको ये बताओ कि ये जो तोड़ू कार्रवाई गैरकानूनी तरीके से की जा रही थी 2016 में मई में, तो इसके पीछे मतलब जो इल्लीगल कार्रवाई हो रही थी, तो वहाँ का जनप्रतिनिधि क्या कर रहा था? जनप्रतिनिधि को पता नहीं था ये सब, ऐसा हमको नहीं लगता है। और अगर हमको ऐसा लगता है कि इनकी कहीं मिली भगत तो नहीं थी, ये हमको बताओ, ये हाईकोर्ट ने बोला है। जमाल शेख का कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मुझे दुकान नहीं बनाने दी जा रही है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। वहीं जब हमने अब्दुल्ला उमिन से इस बारे में जानकारी ली तो उनका क्या कहना है? आरोप लग रहा है कि जमाल भाई की डेढ़ फुट जमीन जो है आपके दुकान में है, जो 2016 में TMC ने कार्रवाई की थी, उस दौरान जब उनकी दुकान तोड़ी गई थी तो फिर आप लोगों ने धीरे धीरे उनकी दुकान को जो बची थी उसे तोड़ कर अपनी दुकान में जो है कब्जा कर लिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है उनका, इसके अंदर कोई हकीकत ही नहीं है। गलत आरोप लगा रहे जमाल भाई मेरे ऊपर, और मुझे हरेसमेंट कर रहे हैं इस चक्कर के अंदर। उनकी जगह इलीगल थी, बाहर थी, मेरी दुकान के आगे 6-8 फुट आगे थी, म्यूनसिपल्टी ने मेरी भी जगह थी आगे, म्यूनसिपल्टी ने सब जगह तोड़ डाली, इलीगल छपरे थे वो। जमाल भाई का कहना है कि उनकी जमीन यहाँ पर थी, उनकी दुकान थी यहाँ पर, लेकिन जब TMC ने 2016 में कार्रवाई की उस दौरान तोड़कर छोड़ दिया गया था। नहीं, फिर धीरे धीरे आपने उनकी दुकान को पूरा तोड़ दिया और जो दुकान के अंदर भीम थे और जो भी जो खंभे वगैरह लगे थे उस सबको आपने तोड़कर जो है उनकी दुकान जो है अपने कब्जे में, डेढ़ फीट जो है अपने कब्जे में ली। नहीं, बिल्कुल गलत, म्यूनसिपल्टी ने पूरी दुकान तोड़ी, म्यूनसिपल्टी ने आगे की जगह साफ करी, मैं इनकी जगह कैसे ले सकता हूँ? ये जो मेरी जगह है, ये मेरी लीगली जगह है एक सोसाइटी के अंदर, इनकी जगह मैं कैसे कैप्चर कर सकता हूँ? इनकी जगह पूरी म्यूनसिपल्टी ने तोड़ी, म्यूनसिपल्टी ने साफ करी, कुछ छोड़ी नहीं म्यूनसिपल्टी ने मेरे पास के फोटो। तो अभी वो कोर्ट का परमिशन लेकर आए हैं दुकान बनाने के लिए, तो आप उनका जो है जो बैनर लगाए हैं कोर्ट के ऑर्डर का, उसको आप बैनर गिरा तो दिया, सबसे पहली बात भाई उसको आपने गिरा दिया, आप उन्हें बनाने नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली बात, बोर्ड इलीगल है, मैंने बोर्ड को हाथ नहीं लगाया, बोर्ड उनको मना किया लगाने का, नहीं माने, मैं म्यूनसिपल्टी के अंदर कंप्लेन दिया कि भाई ये बोर्ड इलीगल है, इसको कोई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं करी, कोर्ट ने इनको कोई ऐसे ऑर्डर नहीं करी कि आप आके यहाँ पे अपनी दुकान लगाए जाए, ये आ रहे यहाँ पे जबरदस्ती दादागिरी करके और कानून का पूरा पूरा एकदम तोड़ रहे कानून को। लेकिन वो तो पेपर दिखा रहे, हाई कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास भी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आप पूरा पढ़िए और उसको शाय कीजिए, उसको बताइए लोगों को हकीकत क्या है। ये झूठ झूठ बातें लोगों के अंदर, गलत अफवाह भी नहीं, अफवाह फैला के ये गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर आप भी पढ़िए, कोर्ट ने क्या बोली इनको, कोर्ट ने इनको बोली आप आके अपनी जगह को इंश्योर करवाइए। आप कोर्ट का पहले ही अंदर ही पढ़िए, कोर्ट के ऑर्डर का पहला ही जो वाक्य है उसके अंदर आप पढ़िए, पहले पर आके अंदर कि कोर्ट ने इनको बोली कि आप अपनी जगह आके उसको इंश्योर किए, किधर है जगह, अब इंश्योर कौन करेगा भाई? ये कहते मेरी जगह अंदर, मैं कहता हूँ उनकी जगह बाहर, तो इनका फर्ज बनता है। कोर्ट ने इनको कही कि भाई आप जाके भूमापन केंद्र के अंदर जाके जगह को सिटी सर्वे के अंदर जाके जगह पहले इंश्योर कीजिए, आप TMC को अप्लाई कीजिए कि मैं यहाँ पे जगह बना रहा हूँ। ये कोई कानून कोई लीगल प्रोसीजर करते नहीं, आते यहाँ पे जब आके यहाँ पे गर्दी जमा लेते, ये बोर्ड लगा दिए यहाँ पे इलीगल, मैं इसके खिलाफ़ कंप्लेंट दिया TMC के अंदर, दो कंप्लेंट दिया हूँ, एक मेरे वकील के थ्रू दिया, एक मैं खुद दिया, तो फिर मेरे को आगे धमका रहे कि भाई ये बोर्ड टू कंप्लीट जो कंप्लेंट दिया है तूने। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ कोर्ट के परमिशन से यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये भूमापन केंद्र से जो है अभी तक इन्होंने सर्वे नहीं कराया है कि उनकी जगह कहाँ पर है। कोर्ट के आदेश का, कोर्ट के निर्णय का इन लोग पूरा पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। आप इनसे ही पूछिए कि कोर्ट ने आपको क्या ऑर्डर दिए और आप क्या फॉलो कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए, या तो आप कोई कानून दा, आप भी कानून जानते हैं, आप पढ़िए उसे और आप फिर इस चीज़ को बोलिए कि कौन गलत कर रहे हैं। अब वो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वहाँ जगह उन्होंने बनाना,
जैसा कोर्ट ने उनको गाइडलाइन दी उस तरीके से बनाना जजमेंट के हिसाब से और वहाँ पर बैठना। इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले अपनी जगह को इंश्योर करवाइए कि मेरी जगह कहाँ है। म्यूनसिपलिटी ने जगह सब तोड़ फोड़ के सब लेवल कर डालिए, अब आप बताइए मैं क्या करूँ उसके अंदर। अब ये मेरे को धमकियाँ दे रहे कि आपने जो मेरे बोर्ड के खिलाफ कंप्लेंट दी है TMC वगैरह में, इसको पीछे लो। उसके लिए भी मैंने उसके लिए मेरे को बोलते देखो मार देंगे, तेरी दुकान भी तोड़ेंगे हम लोग और तेरे को मारेंगे भी, तो कंप्लेंट भी जमाल लाऊ। जमाल भाई खुद आके मेरे को बोल रहे उसके लिए। मैं फिर तारीख अभी दे गया, मैं परसों के दिन ही वहाँ पर कंप्लेंट दे गया। 20 तारीख को मैंने कंप्लेंट दी है कमिश्नर ऑफिस में और ACP ऑफिस में कि भाई मेरे को दरार धमकाया जा रहा है, इनके खिलाफ़ मैंने अर्जी दी है। अब आप बताइए मैं क्या करूँ, मेरा तो जीना हराम हो गया, मेरे तो परेशान हो गया हूँ मैं। ऐसा मौका आ गया मेरे के ऊपर कि आदमी ने मेरे को इतना परेशान कर दिया कि मैं शायद खुदकुशी कर लूँ। कोर्ट के फैसले के बाद TMC ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब्दुल्ला का कहना है कि TMC में लेटर देकर अपनी जगह की पहचान करें और अपनी दुकान बनवा लें, मगर वहीं जमाल शेख का कहना है कि कोर्ट से परमिशन तो मिल गया है मगर उनका स्थानीय जनप्रतिनिधियों का साथ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में हम मजबूर हैं, करें तो आखिर क्या करें। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।